हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो ऐसे शेयर, दो ऐसे फार्मा के शेयर की बात करने वाले हैं, ओके, जो कि डेट फ्री है, ओके, एंड एक की कीमत केवल 3 रुपये और 4 रुपये के आसपास है, और दूसरा जो कि पैनी स्टॉक है, और एक जो कंपनी है वो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, सबने नाम भी सुना होगा और काफ़ी अच्छा शेयर भी है। तो उन दो शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। डेट फ्री कंपनी, और डेट फ्री का मतलब आपको पता ही है कि कोई कर्ज नहीं होना। मतलब किसी भी कंपनी पे अगर कोई कर्ज नहीं होता तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा जो पैसा होता है वो सेफ रहता है। ओके, तो आइए ऐसे ही वीडियो की तरफ, ऐसे ही दो शेयर की तरफ हम चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो आइए पहले शेयर की तरफ। तो पहला शेयर हम ये है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, बहुत बेहतरीन शेयर है। ओके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वन डे का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, 0.11% की यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। 5 डेज़ का देख लेते हैं किस तरीके से। 5 डेज़ पहले केवल ये 420 रुपये के आसपास ये पैसे रुपये में आपको शेयर मिलता था, और आज 466 में है। 1 मंथ का देख लीजिए, 1 मंथ पहले 480-490 के आसपास ये शेयर था, उसमें गिरावट हुई। अच्छा मौका था, जिसने ख़रीदा होगा थैंक यू, उस कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, क्योंकि अच्छा खासा विद इन 2 to 5 डेज़ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस शेयर ने दिया है। ओके, इसके अलावा 6 मंथ में देख लीजिए, 6 मंथ में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, सारा आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है। और मैक्सिमम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम भी देख लीजिए, 2009 में, ओके, NSE में ये लिस्ट हुआ था, तो 46 रुपये का ये शेयर था, लगभग 10 गुना ये शेयर हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी है। और 14 फरवरी को देख, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 505 रुपये में ये शेयर मिलता था। ओके, और जो अभी लगभग 4.6 है, तो अपने हाई की तरफ ही है। तो आज का एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि 52 वीक लो इसका 23 मार्च को 253 रुपीज़ का था, और 52 वीक हाई 13 फरवरी को 555 रुपये का ये शेयर था। तो लगभग अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि 555 को अच्छा खासा क्रॉस कर जाएगा। और डिलीवरीज़ की बात की जाए तो आज के दिन में लगभग 26.18% तक की डिलीवरीज इसमें उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 50% की हिस्सेदारी है। ओके, काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। इसके अलावा पब्लिक के पास बाकी का बचा हुआ 49.98, और डिविडेंड के मामले में देख लीजिए 0.55, 1.05, 0.55, अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है अपने हिसाब से, एंड कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। इसके साथ अलावा यहाँ पर इसके रिटर्न्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया, 50.02% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें हिस्सा रखते हैं 3.63, म्यूचुअल फंड 5.21, इंश्योरेंस कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2.76, इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशन इसमें 38.38% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा है। और रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो 1 डे में पॉजिटिव, 1 वीक में पॉजिटिव, 1 ईयर में भी पॉजिटिव, और इसके अलावा 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए, लगभग 529.09% के आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा इसमें आपको गेन नज़र आ रहा है। और अमृतांजन बाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड भी है साउथ में खासकर, बहुत अच्छा इसे रिकॉग्निशन मिलता है। ओके, और ये अपने आप को डाइवर्सिफाइड भी कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ताकि ये अभी छोटे छोटे गांव में नहीं है तो वहाँ पर भी पहुँच जाए, एज़ वेल एज़ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल के थ्रू भी अपने आप को प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ पर भी आने वाले, जैसे कि नेट मेड हो गया, उसके थ्रू भी आप अमृतांजन के प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। अमेज़ॉन के साथ भी आई थिंक इन्होंने डील करी है कुछ की, हाँ, हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करिए, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और आप अमृतांजन से वाकिफ भी है, तो काफ़ी अच्छा ये आपको नज़र आता है। इसके अलावा बैलेंस शीट की तरफ देख लेते, तो बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, तो रिजर्व्स देखिए किस तरीके से रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 156.5 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास अभी है। और बोरोइंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लीजिए,
कोई भी किसी भी तरीके का इसके पास कर्जा नहीं, और शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लीजिए तो भी कोई कर्जा नहीं है। तो मतलब बोरिंग के मामले में जीरो, मतलब डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस देख लीजिए लगभग 36.33 करोड़ रुपीज़ के आज की डेट में इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट भी है, डेट फ्री कंपनी भी है, शेयर भी काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा सेल करती है, हर एक इसके नाम से वाकिफ भी है, तो इसकी तरफ नज़र बना के रखिए। इसके अलावा आइए हम दूसरे दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, जिस जो मैंने बताया था वो भी एक पैनी स्टॉक्स है कह सकते हैं, ओके। और माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी का मतलब है बहुत छोटा हिस्सा रखता है वो, 20-22 करोड़ रुपए की कंपनी है ओनली, ओके। और बाकी काफ़ी अच्छा उसमें पोटेंशियल भी है और डेट फ्री कंपनी है, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार हम मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ, तो रिटर्न्स का मामले में देख लीजिए कंपनी क्या बेहतरीन रिटर्न्स है। 1 डे में 5%, 1 वीक में अच्छा रिटर्न, 1 ईयर में देख लीजिए 148.68% के रिटर्न, 6 मंथ में 360.98% के रिटर्न, और 10 ईयर्स में 197.64% के रिटर्न, 5 ईयर में 350, और 3 ईयर्स में देखिए 3 साल में तो लगभग 750% के रिटर्न है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसकी तरफ नज़र बना के रखिए। अगर शेयर का प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है उस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ एक बार। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए, प्रमोटर्स का 28.74% की हिस्सेदारी है, फॉरन इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड 0.39, इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई हिस्सेदारी नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी नहीं है, एज वेल एज इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन रखते हैं, 70.87% की हिस्सेदारी यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशंस की है। तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट, बस प्रमोटर्स का काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होता तो और ज़्यादा मजे आ जाते हैं और अच्छा इस कंपनी में इंप्रेशन पड़ता, बट 28.74% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। आइए उस शेयर की तरफ चलते हैं, तो शेयर का नाम है जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड, हेल्थ केयर। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको शायद लिस्ट भी मिलेगी, बॉम्बे स्टॉक दिखा रहा है। तो 5 डेज़ का देख लीजिए अपर सर्किट, 5 डेज़ का देख लीजिए अपर सर्किट, 5 दिन से लगातार अपर सर्किट, 1 मंथ में देख लीजिए अपर सर्किट, 6 मंथ में देख लीजिए अपर सर्किट लगे जा रहे हैं, बट 1 ईयर में देखिए ये 1.59% का इसका ये शेयर चलता था 1 रुपये के आसपास। और मैक्सिमम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम में भी चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके, नेगेटिव में नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इसमें कोई स्प्लिट भी हुआ था या राइट इशू आया था, ओके, तो स्प्लिट हुआ था आई थिंक इस शेयर में, तो काफ़ी अच्छा शेयर है, इस वजह से ये आपको कम दाम में दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था डेट फ्री कंपनी है, ओके, बट यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, ओके, 3.78% माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप का मतलब है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। रिस्क इतना है कि ये 3 रुपये का शेयर, 3.78 रुपये का शेयर केवल 78 पैसे का रह जाए, या 0 भी हो सकता है, या फिर आपका ये पैसा 3.78 रुपये की जगह 300.78 रुपये भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो तो केवल थोड़ी अमाउंट में ही उसे इन्वेस्ट करो, थोड़ा ही पैसा ऐसी कंपनी में लगाओ, पैनी स्टॉक कह सकते हैं इसे। तो इसलिए आप कभी इसमें इन्वेस्ट करो तो केवल और केवल 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इतने ही इन्वेस्ट करो, ताकि ये कल को 0 भी हो जाए तो आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आइए बैलेंस शीट की तरफ देख ले चलता हूँ, तो बैलेंस शीट देख लीजिए, कंपनी का नाम आपके सामने आ ही रहा है, जेनिथ हेल्थ केयर, ओके। तो आइए हम सीधे रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, रिजर्व्स देखिए, पहले 17 लाख, फिर लगभग 20 हज़ार, फिर 29 लाख 43, एंड अभी लगभग 1.03 करोड़, 1 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व है। छोटी कंपनी है, 22 करोड़ रुपए कमाई का कैपिटल है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसके साथ कर नहीं सकते, ओके। रिटर्न्स ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, और डेट फ्री की बात करी थी, तो डेट फ्री देखिए कोई भी किसी भी तरीके का इस कंपनी के पास डेट नहीं है, ओके, सब जीरो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म देख लीजिए, शॉर्ट टर्म भी जीरो, कोई भी पहले इनके पास 20 हज़ार रुपये के लगभग का कर्ज था, वो भी उन्होंने चुका दिया, अब लगभग डेट फ्री है कंपनी है, जीरो जीरो जीरो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी इनके पास नहीं है। इसके अलावा कैप मार इस हम कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो लेकिन ये भी किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ओके, पहले इन लास्ट ईयर इनके पास 1 करोड़ रुपीज़ का कैश एंड बैंक बैलेंस था, अभी लगभग 2.43 करोड़ रुपीज़ का बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास है। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही है, और वो भी एक पैनी स्टॉक में, एक छोटे से स्टॉक्स में आपको ये सब पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो इसकी तरफ भी आप नज़रें बना सकते हैं, ओके। तो यही सब मेरा बताने का मकसद था कि कंपनी
काफ़ी अच्छा आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान बना के रखिए। यह कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। तो एक जेनिथ जो कि मैंने आपको बताया, जेनिथ हेल्थ केयर, एज वेल एज एक दूसरी कंपनी जो मैंने आपको बता दी है, तो इन दो कंपनी की तरफ आप ध्यान बना के रखिएगा, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, शायद इस कंपनी ने स्प्लिट किया था, है ना, 2005 में इनका स्प्लिट हुआ था। 10 रुपये का फेस वैल्यू, 1 रुपये का भी फेस वैल्यू रह गया है, तो इसलिए काफ़ी कम आपको ये शेयर प्राइस भी नज़र आ रहा है। बोनस वगैरह अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, डिविडेंड भी कंपनी क्या देगी, ओके, क्योंकि ये छोटी सी कंपनी है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम कर नहीं सकते। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एज वेल एज दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, जेनिथ में, हेल्थ केयर में, तो आपको केवल 500 हज़ार रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए और लगा के भूल जाइए। 5-10 साल में अगर बढ़ना होगा तो यही शेयर आपको 5-10 हज़ार रुपये आपके काफ़ी सारे पैसे बन जाएंगे, वरना वो जीरो हो जाएंगे। तो दैट्स इज दोस्तों, दैट्स इट। ओके, आपको वीडियो लगी हो तो दोबारा, अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को शेयर करिए, कमेंट करिए हमारे इस चैनल पे, अगर वीडियोस पे, एज वेल एज हमारी इस चैनल को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।